close till I get up. Time is barely on our side. Hello, good morning everyone. I am Anirudh Kumar Maurya from Hari Maya International School. Today is now exercise 6.3. 6.3 में हम आपको क्या बताने वाले हैं, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स इन ईच पेयर, यानी जो प्रत्येक पेयर दिए हुए हैं इनके बीच की क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि 20 के जो फैक्टर्स हैं उन कौन कौन से निकल के आएंगे। पहला फैक्टर्स हमारा क्या होगा, 1। 1 क्या होता है, जैसा कि हमें सभी पता है कि 1 सभी का फैक्टर्स होता है, होता कि नहीं होता। 1 के बाद में 20 देखेंगे कि इसे डिवाइड हो सकता है, तो ये 2 से भी डिविजिबल हो सकता है। इसके बाद चेक करेंगे तो 3 से तो नहीं होगा, किससे होगा, 4 से। फिर इसके बाद फिर किससे होगा, 5 से। इसके बाद 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, फिर ये किससे जाएगा, 10 से जाएगा। और इसके बाद ये किससे डिविजिबल होगा, तो ये 20 से डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, 20 के फैक्टर्स आ गए। इसी तरीके से हम क्या चेक करेंगे, 18 के भी ऑल द फैक्टर्स फाइंड आउट। नाउ 1 तो हमने जैसा पहले ही बता रखा है कि 1 सभी का होता है, फिर 18 किससे जाएगा, 2 से भी जाएगा, फिर 2 के बाद ये 3 से जाएगा, 3 से भी 18 चला जाएगा। ठीक, इसके बाद 4 से, तो 4 से भी जाएगा, फिर 5 से नहीं जाएगा, 6 से बिल्कुल जाएगा, 6 के बाद 7 से, 8 से, फिर 9 से, किससे जाएगा, 9 से, देन इसके बाद में लास्ट 18 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेकते हैं क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स देखेंगे कि ये दोनों में हमको क्या मिले, कॉमन मिले, तो उनको बोलते हैं CF, शॉर्ट में हम लिख लेते हैं उनको CF। CF मींस क्या होगा यहाँ पे, कॉमन फैक्टर। तो पहला हमने जैसा कि बताया कि 1 तो सभी का होता है फैक्टर, होता कि नहीं होता। देन इसके बाद में ये 2 भी होगा, और इसके बाद में क्या होगा, इसमें देखिए 4, तो ये 4 भी, 4 यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी इसमें रॉन्ग लिखा हुआ, 4 नहीं होगा। तो 1 और 2 कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, ओनली 1 और 2 ये क्या होंगे, हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, कॉमन फैक्टर आ गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कौन कौन से फैक्टर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमारा 27 और 24, ठीक है, 27 और 24 क्वेश्चन नंबर 2, 27, 24। तो इसमें भी सिमिलरली इसी तरीके से चेक करिए, 27 के सभी फैक्टर्स निकाल लीजिए और 24 के भी सभी फैक्टर्स निकाल लीजिए। अब यहाँ पे 27 किससे जाएगा, पहला तो 1 से हो गया, फिर इसके बाद 2 से तो नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा, देन इसके बाद में 4, 5, 6, 7, 8, फिर किससे जाएगा, 9 से जाएगा, फिर 9 के बाद किससे जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर सीधे सीधे किससे जाएगा, ये 27 से जाएगा। देन इसके बाद में 24, 1 से जाएगा ही जाएगा, 2 से भी ये डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, इसके बाद में 4 से भी जाएगा, फिर इसके बाद 5, 6 से जाएगा, 7, फिर इसके बाद ये 8 से भी जाएगा, इसके बाद 9, 10, 11, फिर ये 12 से जाएगा, और 12 के बाद में फिर किससे जाएगा, 24 से, डायरेक्टली किससे जाएगा, ये 24 से। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं कॉमन फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो कॉमन फैक्टर देखिए इसमें क्या क्या मिला, तो 1 तो सभी का होता ही होता है, इसके साथ में हमको और क्या मिल रहा है, इसमें 3 भी मिला, क्या मिला, 3, और कोई ही तो और हमको नहीं मिल रहे हैं, तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 3। ठीक, सिमिलरली इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, राइट ऑल द फैक्टर्स इन दीज नंबर्स, बी वाला क्वेश्चन है, राइट all the factors, write all the factors of these numbers
कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे हमको कॉमन फैक्टर्स में भी निकालना है, दे रखा है, क्या दे रखा है, 9 और यहाँ पे 12, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 9 पहले तो हम निकाल लेते हैं, जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो किससे आएंगे, 9 के आ जाएंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 9 इसके निकाल लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ किसके 12 के, 12 को निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा कॉमन फैक्टर, जितने भी आएंगे वो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, ठीक, तो कॉमन फैक्टर भी निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से, अभी वैसे ही करिए सेम टू सेम, 9 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 से जाएगा, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, और फिर 9 से, डायरेक्टली किससे जाएगा, 9 से जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 12 का देखेंगे, तो ये 1 से, फिर 2 से, फिर ये 3 से भी जाएगा, और इसके बाद में ये 4 से जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5, फिर ये 6, और फिर ये किससे जाएगा, डायरेक्टली 12 से जाएगा। तो इस तरीके से चेक करेंगे। अब इसमें देखिए कॉमन क्या मिला हमको, तो कॉमन जो हमको मिला, तो यहाँ पे ये पहला मिल गया 1 और दूसरा मिल जाएगा हमको 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, एक ये पहला हो गया सर्किल और दूसरा ये सर्किल हो गया। आप यहाँ पे फैक्टर ऑफ, यहाँ पे चेक करेंगे क्या, फैक्टर ऑफ किसके, फैक्टर ऑफ 9, तो फैक्टर ऑफ 9 के लिए ये सर्किल रहेगा, और फैक्टर ऑफ 12, तो फैक्टर ऑफ 12 के लिए फैक्टर ऑफ 12 के लिए ये सर्किल रहेगा। अब इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन हमको क्या मिला, कॉमन क्या मिला यहाँ पे, 1, 3, तो ये पहला लिख लेंगे 1 और ये 3, तो 1, 3 तो इसमें मिल गए, बाकी के यहाँ पे, यहाँ 1, 3 हो गया, तो इसमें क्या मिला, एक फैक्टर ही रहेगा। इस वाले कॉलम में क्या रहेगा, ओनली फॉर 9, देन इसमें कौन कौन से बचे, तो 1, 3 हो गया, इसमें बचेगा हमारा 2, ठीक, और कौन कौन सा नंबर है, 2 के बाद फिर 4 भी है, 4 के बाद 6 है, और इसके बाद ये 12 है। तो आपको समझ में आ रहा है, यानी 1 और 3 क्या आ रहा, दोनों में आ रहा, तो यानी इस वाले सर्किल में हम कम्प्लीटली देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके के नंबर्स आ जाएंगे। और फैक्टर ऑफ 9 के लिए बात करें तो इसमें देखिए 1 भी आ रहा, 1 भी है इस सर्किल में, और 3 भी है, 3 भी है, और 9 है, इसके साथ साथ 9 भी है। एक और आपको हम बता देंगे इसी तरीके से क्वेश्चन क्या होगा, तो 21 और 35 कितना हो जाएगा, 21 और 35, ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें लेकर के हम चल सकते हैं, 21 और 35। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 21 और 35, 21 के फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर ऑफ 21 और फैक्टर ऑफ 35, फैक्टर ऑफ 35, 21 का निकालिए, तो पहला तो देखेंगे 1 रहेगा ही रहेगा, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 7 से जाएगा, ठीक, इसके बाद 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 21 से, सीधे किसे जाएगा, 21 से जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, 1 से जाएगा, और फिर ये किससे जाएगा, बोलो, फिर ये 7 से, फिर ये 35 से जाएगा। अब यहाँ पे भी सर्कल बनाते हैं, दो सर्कल बनाइए और इसमें चेक करिए, ये क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 21, तो फैक्टर ऑफ 21 के लिए ये बॉक्स हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 35 के लिए ये हो जाएगा। अब इसमें देखो कॉमन क्या मिला, तो सबसे पहले हम CF यानी कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से इसमें आ जाएंगे, तो पहला 1 और दूसरा 7, इसके अलावा और कोई नहीं आ रहे हैं, तो 1, 7 इसमें देखेंगे क्या लिख लेते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स आए उनको बीच वाले में लिखेंगे, मतलब दोनों में आने चाहिए, दोनों सर्कल्स में आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा और दूसरा ये 7 हो जाएगा। नाउ इसमें कितने बचे हुए, 3 बचा, 21 फैक्टर ऑफ 21 के लिए, तो 3 और ये 21। सिमिलरली इसमें भी चेक करेंगे, 1, 7 तो हो गया, इसमें क्या बचा 35 में, तो ओनली फॉर 35, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको निकालने पड़ेंगे कॉमन्स क्या होते, कॉमन फैक्टर्स बीच में क्या आएंगे। एक क्वेश्चन बचा हुआ है 42 और 48, इस क्वेश्चन को अपने आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।